मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कैलाश मानसरोवर विकास मंच आगरा इकाई की बैठक गुरुवार को श्रीराम मंदिर जयपुर हाउस आगरा में की गई, जहां बैठक में संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। अनिल अग्रवाल, अनिल जी, किस तरह की आज हमारी बैठक हुई यहाँ पर जी, और काफी लोग बैठक में उपस्थित हुए, एजेंडे आए हमारे पास जी, इसमें हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमें कराना है आगे, और इसके अतिरिक्त जो मानसरोवर यात्री जाता है जो यहाँ से व्यू ऑफ मुख्यमंत्री द्वारा उनको सब्सिडी मिली है 1,00,000 रुपये दिया जा रहा है, तो हम जो लीगल सेंसिटिव मेंबर हैं इसमें, वो ये चाहिए कि जो यात्री वहाँ जाएगा, जो भी दर्शन करने जाएगा, उसको जो सब्सिडी सरकार की ओर से मिल रही है वो पूरी की पूरी बिना उससे कोई दिक्कत भी हम दिलवा रहे, जो भी लीगल काम हो हम उसकी स्वेच्छा से करेंगे, निःशुल्क करेंगे, और उनको वहाँ तक मतलब उनको कोई भी परेशानी न हो, या कागजी कार्रवाई बहुत होती है, उस कार्रवाई को हम लोग पूरा करेंगे उनको जी। वैसा मैं जानना चाहूँगा आज यहाँ पर किस तरह की बैठक है। कैलाश मानसरोवर विकास मंच से हमारा एक मंच है, जिसमें कि आपको जैसे विदित है कि चाइना जो है हमारे जो देश के साथ में काफ़ी गद्दारी कर रहा है, तो हमें उसको क्योंकि हम एक बाइलेटरल दोनों के साथ एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना का कि हमें सामान खरीदना है उसका, लेकिन हमें उसको कमजोर करने के लिए सामान को हम न खरीदें, इसलिए हम उसको कमजोर करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे जो साथी हैं आर्मी के जवान हैं वो लोग अपना उनका विश्वास बढ़े और हिम्मत बढ़े उनकी, इसलिए हमने ये आज एक मंच बनाया हुआ है। इस मंच में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे मिस्टर मुकुल सोनी, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर। बैठक के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ब्रज कैलाश मानसरोवर के नाम पर प्रकल्प को विस्तार देना और साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष की आस्था को पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए अपने बुजुर्गों के नाम से एक ब्रज लगाना था, जिसका के सभी सदस्यों ने संकल्प भी लिया। तो वहीं भाजपा नेत्री डॉक्टर मंजू गुप्ता ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की और साथ ही साथ चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात भी कही। आज कैलाश मानसरोवर विकास मंच की दूसरी बैठक है और आज हम लोगों ने यहाँ पे इस मंच को विस्तार भी दिया है, दो नए पदाधिकारी भी जुड़े हैं। मुख्य रूप से हमारे आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना तय करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इस समय पर्यावरण का रक्षा करना बहुत जोर पर है और हमारा एक प्रकल्प चल रहा है 51 वृक्ष कैलाश मानसरोवर के, इसके साथ साथ श्राद्ध पक्ष में अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और हम इसे पर्यावरण के साथ जोड़ें, तो हमने अपना दूसरा प्रकल्प शुरू किया है, एक वृक्ष अपने घर के बुजुर्गों के नाम, जिसमें हमारे सदस्य हैं वो अपने अपने बुजुर्गों के नाम एक वृक्ष लगाएंगे और उसके घर के बुजुर्ग की तरह ही उसकी देखभाल करेंगे, ताकि उसके साथ एक स्नेह संबंध हमारा जुड़ सके और हम पर्यावरण की रक्षा करें। यहाँ पर एक वो भी चीनी सामान का बहिष्कार करना उसके बारे में, कैलाश मानसरोवर चाइना के कब्जे में है, हमारा तीर्थ है और इसको चाइना को जब तक कमजोर नहीं करेंगे तब तक कैलाश मानसरोवर को हम पा नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है जो कि चाइना की सीमा के तहत आता है, उसको चीन से मुक्त कराने के लिए कैलाश मानसरोवर विकास मंच आगरा द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार की पहल शुरू की जाएगी, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके और चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर। अर्थ न्यूज के लिए अधिराज सिंह की रिपोर्ट।